नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे अमिताभ बच्चन तथा अजय देवगन की बेहतरीन फिल्म रनवे 34 के दो दिनों का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन कितना हो गया है। क्या दोस्तों ये कलेक्शन उम्मीदों के मुताबिक है या उम्मीदों से बेहतर है या उम्मीदों से कम रहा है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं रनवे 34 को क्रिटिक्स ने अच्छे रिव्यूज दिए, ज्यादातर क्रिटिक्स को फिल्म पसंद आई है। विशेषकर फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। साथ ही इसमें अजय देवगन तथा अमिताभ बच्चन का अभिनय भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है। और दोस्तों अजय देवगन ने जो फिल्म में डायरेक्शन दिया उसकी भी काफी तारीफें हो रही है कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, फिल्म टेक्निकली बहुत ही शानदार है। और दोस्तों एक अलग सब्जेक्ट पे अजय देवगन ने यह फिल्म बनाई है। दोस्तों इस फिल्म को जो IMDb रेटिंग मिली है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों इस फिल्म को इस समय तक IMDb रेटिंग करीब 8.8 स्टार आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही अच्छी कही जा सकती है। दोस्तों एक बार तो ये IMDb रेटिंग 9.3 स्टार तक भी पहुंच गई थी, लेकिन दोस्तों इस समय इसकी IMDb रेटिंग करीब 8.8 स्टार है। वहीं दोस्तों गूगल पे करीब 83% यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है, जो भी एक काफी अच्छी संख्या कही जा सकती है। दोस्तों जहां तक इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों इसका भी एक्यूरेट फाइनल आंकड़ा सामने आ गया है। दोस्तों पहले दिन इस फिल्म ने करीब 3.5 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन भारत में किया है, जो कि दोस्तों काफी कम कहा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अजय देवगन की फिल्म होने के नाते काफी उम्मीदें फिल्म से थी। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये फिल्म थोड़ी सी अलग है, ये फिल्म मैसेज को ज्यादा पसंद नहीं आ रही, क्लासेज को ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म एक आम फिल्म होती है जिसमें सारे मसाले भरे होते हैं, जिसमें एक्शन होते हैं, डांस होते हैं, रोमांस होता है, ड्रामा होता है, कॉमेडी होती है, वैसी फिल्म ये नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली अलग टाइप की फिल्म है। तो दोस्तों ये जो ज्यादातर दर्शक है जो ज्यादातर ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं जिसमें सारे मसाले हो, फुल एंटरटेनर हो, वैसी फिल्म है नहीं है। तो दोस्तों उस हिसाब से इस फिल्म की जो ओपनिंग है फर्स्ट डे की, उसको डिसेंट कहा जा सकता है, और ये देखते हुए भी कि फिल्म को एडवांस बुकिंग ज्यादा अच्छी नहीं मिली थी। तो दोस्तों इस हिसाब से फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन करीब 3.5 करोड़ रुपए रहा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा तो फिल्म के कलेक्शन में डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगा, और चूंकि दोस्तों सभी क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छे रिव्यूज दिए और जिन दर्शकों ने फिल्म को देखी है उन्होंने फिल्म की तारीफें की है, तो दोस्तों फिल्म को अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसके कारण दोस्तों शनिवार को इस फिल्म के कलेक्शन में 50% से ज्यादा का उछाल देखा गया। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को इस फिल्म का कलेक्शन करीब 5.5 करोड़ से 6 करोड़ रुपए तक रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार इस फिल्म के दो दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन करीब 9.5 करोड़ रुपए हो गया, मतलब 9.5 करोड़ रुपए हो गया है। और दोस्तों संडे को भी, मतलब आज भी, ये फिल्म जबरदस्त ग्रोथ करेगी, अपने कलेक्शन में जबरदस्त ग्रोथ करेगी, जिसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में जानकारी दूंगा कि आज संडे को ये फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों रनवे 34 भले ही ज्यादा कलेक्शन अभी तक नहीं कर पाई हो, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से इस फिल्म को तारीफें मिल रही है, क्रिटिक्स की जो प्रशंसा मिल रही है, उसे देखता हुआ लगता है कि दोस्तों ये फिल्म धीरे धीरे पिकअप कर लेगी और दोस्तों धीरे धीरे फिल्म के कलेक्शन में काफी सुधार होगा, क्योंकि दोस्तों आज के अलावा, संडे के अलावा, ईद के दिन भी फिल्म का कलेक्शन काफी बढ़ सकता है। तो दोस्तों अभी फिल्म की उम्मीदें टूटी नहीं है और जिस प्रकार से फिल्म के कलेक्शन में लगातार ग्रो हो रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि रनवे 34 किस दिशा में जा रही है, क्या ये फिल्म हिट होने की तरफ बढ़ रही है या नहीं, इसके बारे में भी पूरी जानकारी धीरे धीरे सामने आ जाएगी। दोस्तों फिलहाल शनिवार को इसके कलेक्शन में जो सुधार आया हुआ है उसे देखते हुए लगता है कि फिल्म आगे भी अच्छा ही कलेक्शन करेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज ये फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।